मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने ओबीसी छात्रों को बड़ी सौगात दी है। इसके कारण अब वो बिना आर्थिक समस्या के अध्ययन कर पाएंगे। जी, इससे उन्हें अपनी पढ़ाई में और सहूलियत मिल जाएगी। एमपी सरकार ओबीसी विद्यार्थियों को एसटी छात्रों की जितनी स्कॉलरशिप देने वाली है, इसके लिए बस इन बच्चों को एक काम करना होगा। बता दे कि इसकी घोषणा सीएम मोहन यादव ने की थी, जिसे लेकर अब प्रस्ताव भी बनाया जा चुका है। वर्तमान में ओबीसी के स्टूडेंट्स को 1550 रुपए बतौर स्कॉलरशिप मिलते हैं। इस प्रस्ताव के बाद ये बढ़कर 10,000 हो जाएंगे। इस योजना का लाभ उन ओबीसी विद्यार्थियों को मिलेगा जो दिल्ली जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को मोहन सरकार हर महीने न केवल 10,000 रुपए देगी, बल्कि ये बच्चे हॉस्टल जैसी सुविधाओं का लाभ भी ले सकेंगे। ये उन्हें आर्थिक मदद के रूप में दी जाएगी। एमपी सरकार इसके अलावा कई नए प्रस्तावों पर भी चर्चा कर रही है, जिनसे बच्चों को कुशल और बेहतर बनाया जा सके। इसको लेकर सीएम मोहन यादव ने एक समीक्षा बैठक भी की है। इसे लेकर एमपी की पिछड़ा वर्ग की राज्य मंत्री ने भी संकेत देते हुए कहा कि शासन में कई प्रस्तावों पर वार्ता हो रही है, जैसे ही इन पर निर्णय होता है इससे जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। वर्तमान में हो रही रोजगार प्रशिक्षण की क्षमता को बढ़ाकर 20,000 किया जा सकता है, जिससे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।